हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्टेक। और आज हम अनबॉक्स करेंगे D5300, निकॉन की D5300 के। ये मेरे फर्स्ट DSLR है और मुझे कितना मालूम है और जो नॉलेज है उसके ऊपर मैं DSLR की रिव्यू करूँगा। चलो इसके अनबॉक्स करेंगे हम। इसमें जो पहला आता है वो है इसके डॉक्यूमेंट्स, वारंटी कार्ड और मेरे बिल। दूसरी जगह पे रखा हूँ, नहीं इसी पे रखा हूँ मैंने। इस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सीडी दी है। ये है रॉ फाइल से, हम रॉ फाइल से JPG और दूसरी फाइल को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इस पे मतलब कभी कभी बड़े बड़े फाइल के इमेजेस आते हैं तो डायरेक्टली हमारे मोबाइल पे नहीं खुलता है, नहीं तो दूसरे डिवाइस पे नहीं खुलता है, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर एक सॉफ्टवेयर है, उसे इंस्टॉल करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसे, मतलब रॉ फाइल से JPG और दूसरे फाइल को JPG, FRES इस पर पूरे लिखे हैं। और इस पर वो सॉफ्टवेयर है और वो इस पर कैसे इंस्टॉल करना है वो भी इस पर है। उसके बाद आता है देखो 2 ईयर कॉम्प्रेंसिव वारंटी, इसके ऊपर 2 ईयर का वारंटी भी है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मतलब कंपटीशन के बारे में, 50% डिस्काउंट है ट्रेनिंग के। और इस पर देखो कंपटीशन पॉइंट्स वगैरह है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है यहाँ पे, हाँ इस पर देखो, इस पर पता चलता है कि हमें कहाँ कहाँ, इस पर देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरे एंजॉय हैजल फ्री सपोर्ट विद और वाइड सर्विस नेटवर्क। इस पर पूरे नेटवर्क सर्विस के मतलब ब्रांचेस और उसके नंबर भी है। यहाँ पे थोड़े बहुत उसके नक्शा भी है, देखो मैप भी है उसके, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर मैनुअल यूज़र है, यूज़र मैनुअल है यहाँ पे, देखो इसे यूज़ कर सकते कि पूरा की पूरा है। मुझे भी पढ़ना है इसको क्योंकि मेरा भी ये पहला DSLR है, तो बहुत कुछ है इस पर देख सकते लेकिन ये इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में ही है, हिंदी पे नहीं है, सिर्फ इंग्लिश पे है। ये मेरा बिल है, बिल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मुझे 35200 लगा है और ये मैं ऑनलाइन नहीं खरीदा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली निकॉन की शोरूम पे ही खरीदा हूँ। तो मुझे 35200 करके उन्होंने दे दिया है। ऑनलाइन भी करीब करीब 36 या उतना ही है, 35-36 की रेंज में था, लेकिन मुझे उतना मतलब मुझे जल्दी में चाहिए तो मैं शोरूम से ही खरीद दिया हूँ, क्योंकि वो लोग भी बोले मुझे उसी रेट में देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 35200 का बिल है, यहाँ पे है 35200 का। और उसके बाद ये 800 रुपीस मैंने आपको एक लेंस, उसके क्या बोलते हैं, वाटरप्रूफ कोटिंग कुछ बोले थे उन्होंने, तो मैंने इसे भी खरीद लिया। इसको पड़ा मुझे 800 रुपीस। ये आप लोगों को लेंस को थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे देखो, वाटरप्रूफ कोटिंग, अल्ट्रा स्लिम फ्रेम, एंटी रिफ्लेक्शन, मल्टी कोटिंग, हाई क्वालिटी ग्लास और ये MCUE NISC, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है लेंस को। तो और मैंने देखेंगे हम इसके बाद क्या है। इस पर देख सकते हैं थोड़े बहुत केबल्स है यहाँ पे, और एक केबल है लैपटॉप या आप लोगों का मोबाइल कुर्सी और डिवाइस के लिए कनेक्ट करने की चीज़ है, ट्रांसफर करने के लिए। और मुझे बहुत पता नहीं इसके बारे में, मैं भी इसके बारे में देखता हूँ, उतना ही है, ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे अभी तो हमें उसके बारे में। उसके बाद हमें फ़ोटो लाइव कैप्चरिंग कर, लेकिन हम ऐप यूज़ करते हैं वो है WMU वायरलेस मोबाइल यूनिटी समथिंग, प्ले स्टोर में मिलेगा, उसे यूज़ करके हम डायरेक्टली फ़ोटो भी खींच सकते हैं, यहाँ से रिमोट की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के लिए नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद आते हैं, हमें एक चार्जर मिलता है निकॉन का MS24 के, ये चार्जर है। और उसके बाद चार्जर के साथ आता है एक बैटरी, देखो इसके साथ एक बैटरी आता है, इससे वो उन्होंने बोला है कि 4 आवर बैटरी चार्ज करना है स्टार्टिंग पे, तो मैं ऑलरेडी किया हूँ। इसके बाद मैंने लगा कि आप लोगों को इसके वीडियो एंड फोटो की भी सैम्पल दिखाता हूँ। इसके साथ आते हैं हमारे एक 16 GB वाला मेमोरी, ये सब फ्री मिलता है इस पर। उसके बाद देखो, मैंने सिर्फ
किट लेंस लिया है, इसके ऊपर मैंने दूसरे लेंस अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है तो मैं नहीं लिया हूँ, बाद में देखेंगे, बाद में लिया लेंगे तो हम उसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये 15-55 mm लेंस है, अब देख सकते हैं यहाँ पे 18-55 mm लेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है मेरा वन प्लस 6 का फ़ोन है, उस पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, इसके बाद कौन सा भी वीडियो आएगा उस सब वीडियो कैमरे से ही लेंगे। और उस इम्पोर्टेंट चीज़ अभी आ रहा है वो है हमारा कैमरा, निकॉन का D5300 है। और कुछ नहीं है बॉक्स पे, इतना ही कुछ है वहाँ पे, हाँ वो कुछ क्लिप है उसके D5 ये कहाँ पे लगाना है मुझे अभी पता नहीं है, बाद में देखेंगे हम। तो इतना ही है, ये हमारा कैमरा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर एक फ्लिप स्क्रीन है, रोटेट भी कर सकते हो, इतना ही होता है, ऐसे भी लगा सकते हो, फ्लिप स्क्रीन भी है। उसके बाद आता है मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ लगा, माइक इनपुट, तो यहाँ पे देख सकते हो माइक, यहाँ पे लिखा भी है माइक, आप देख सकते हो या नहीं पता नहीं, यहाँ पे भी लिखा है माइक। और उसके बाद आता है ए वी आउट और HDMI, तीन पोर्ट है यहाँ पे। उसके बाद आता है यहाँ पे माइक माउंट करने के लिए, और उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे फ्लैश वाला बटन है, उसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ्लैश पॉपअप हो जाएगा। मेनू, यहाँ पे मेनू है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स है, ओके, डिलीट, प्ले, गैलरी वाला, और यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, ऑन ऑफ। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको कौन सा शूटिंग के लिए अच्छा है वो रख सकते हैं, यहाँ से मैं यूजुअली अभी ऑटो पे रखा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं LV, आप देख सकते हैं यहाँ पे LV लिखा है, ये आप लोगों को लाइव मतलब वीडियो सेटिंग वीडियो के लिए ये है और बटन है। उसके बाद ये वीडियो प्ले पॉज के लिए है, स्टॉप के लिए। उसके बाद यहाँ पे इन्फो है, यहाँ पे कैप्चर करने के लिए है। उसके बाद अभी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो SD कार्ड पोर्ट है, यहाँ पे यहाँ से SD कार्ड लगाते हैं, और सेपरेट बैटरी पोर्ट दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बैटरी पोर्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी। अभी मैं बैटरी लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को, बैटरी है यहाँ पे, अभी मैंने बैटरी भी लगा लिया हूँ। उसके बाद लगाते हैं हम मेमोरी कार्ड, यहाँ पे लगाते हैं मेमोरी कार्ड, यहाँ पे दिखा दिए हैं कि इसे लगाना है, तो मैं इसे लगा रहा हूँ यहाँ पे। अभी हम ये ऑन पे था, अभी हम ऑन करके दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को, देख सकते हैं आप यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हुआ है। इसके बाद हम लगाते हैं एक लेंस लगाते हैं 18-55 mm का, उसके पहले मैंने ये खरीदा ना, इसे लगा सकते हैं, ऐसे होते हो नहीं, बाद में क्लीन करता हूँ। इसे रोटेट करना है यहाँ पे, ये आप भी खरीद लिए, लगा लिया अभी। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे, देखो इसे कैसे लगाना है, यहाँ पे एक वाइट मार्क है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे है लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक वाइट मार्क है, ये वाइट मार्क है, उसको आप लोग ऐसे रख के रखो साथ में और घुमाओ। अभी लेंस भी फिट हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन है, इतना ही है लेंस, ये जूम के लिए, और यहाँ पे एक रिंग आता है वो है फोकस के लिए,
तो अब मैंने तो ऑटो फोकस पे यूज़ करता हूँ। बाद में कैसे कैसे दिन चलते रहते हैं उस पिक के ऊपर मैं थोड़े बहुत सीख लेता हूँ, उसके बाद थोड़े फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करके हम बना लेंगे और एक वीडियो। तो आज के लिए अब इसके बाद और एक है, इसके साथ और एक मुझे मिला था, वो है लीक ऊपर का बैग, देख सकते हैं यहाँ पे, और उस बॉक्स पे भी लिखा है उन्होंने यहाँ पे लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इट इज वर्थ ऑफ 3,000 2,999। तो मुझे वो भी बैग दिया है, आपको देख सकते हैं उसके टैग थोड़े कट चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है, फ्रंट कैमरे तो शूट करो 3,000 के। उसके बाद आते हैं हमें, देखो ये बैग ऐसा है, इसके इस पे भी एक जिप है अंदर छोटा सा, मैंने थोड़ा हाथ तो चलता है अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक जिप है, ये एक्चुअली कैमरा बैग नहीं है, ये सिर्फ एक साइड हैंड बैग है, ये कॉम्प्लीमेंटरी है, आप लोगों को फ्री पे देते हैं वो लोग, 3,000 का माल है ये, और ये फ्री पे मिलता है लीक ऊपर वाला है, लीक ऊपर ब्रांडिंग है, ओरिजिनल है, और ये बॉक्स पे भी लिखा है। और उसके बाद इस और एक हमें मिलता है, वो है निकॉन ब्रांडिंग का बैग, इस पे थोड़े बहुत जगह है, आप यहाँ पे वो केबल्स या मेमोरी कार्ड बैटरी चार्जर और लेंसेस हो तो आप रख सकते हैं इस पे कैमरे के साथ, जगह है यहाँ पे, ये हमें बहुत मतलब इनफ है यहाँ पे। ये बैग आपको प्रोफेशनल बैग्स भी मिलते हैं, उसके भी डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी दे देता हूँ मैं, अभी तो फिलहाल मैंने नहीं खरीदा हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे बैग्स होते हैं, उसके भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। और वो बैग बैग से एक्चुअली ये साइड बैग है, और उसके साथ हमें ये स्ट्रैप भी मिलता है, ये भी निकॉन ब्रांडिंग का है, और ये भी उसके साथ ही मिलता है, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होगा, ये सब मिलता है उसके साथ। थैंक यू गाइस, इसे मैंने 30,000 से 40,000 तक का बजट किसका है, 30,000 से 40,000 का, उनको मैं रेकमेंड करता हूँ। इस निकॉन फोटोग्राफी के लिए भी फेमस है, तो इसे पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो पसंद हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर टुडे।